हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू शर्मा ग्रुप और मैं हूं अमन शर्मा। दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं LNMU पार्ट वन के रिगार्डिंग। दोस्तों पार्ट वन का जो है प्रमोटेड वालों का फॉर्म भरना चालू हो गया है, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक्स और प्रमोटेड एक ही होता है, तो एक्स वाले हों चाहे प्रमोटेड वाले हों उनका फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो यही बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैं आपको बता दूँ और मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा भी रहा हूँ। ये देखिए, ये ऑफिशियल साइट है LNMU पार्ट वन का, जिसपे हम लोग रिजल्ट चेक करते हैं, फॉर्म भरते हैं, ये इसका ऑफिशियल साइट है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा, स्क्रॉल डाउन करने के बाद देख सकते हैं, नीचे आने के बाद देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ। बड़ा करने के बाद आप देख सकते हैं, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ UG पार्ट वन। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, जो कि दो नंबर का लिंक है, दो नंबर लिंक है जो रेड कलर को आप रेड कलर में आपको दिखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट फॉर लॉग इन। यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, क्रिएट अ न्यू अकाउंट फॉर लॉग इन ओनली फॉर एक्स रेगुलर स्टूडेंट ऑफ UG पार्ट वन। तो आपको पहले यहाँ से यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करना है, और उसके बाद यहाँ से लॉगिन करके फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है। तो पहले आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करने के लिए इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले आपका फुल नाम फिलअप करना है, ठीक है, उसके बाद यूज़र नेम फिलअप करना है, उसके बाद पासवर्ड फिलअप करना है, ठीक है। कुछ आपको एकदम स्पेशल करेक्टर में पासवर्ड डालना होगा और यूज़र नेम भी डालना होगा, जो कि आपको एक्सेप्ट कर लिया जाए, ठीक है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं ईमेल आईडी आपको डालना नेसेसरी नहीं है, आप डाले फिर भी सही है, नहीं डाले फिर भी सही है, ठीक है। मोबाइल नंबर डालना नेसेसरी है, मोबाइल नंबर डालोगे मोबाइल नंबर पर आपको OTP आएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप कहीं भी एक बार क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ एक दूसरा इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, जो कि OTP मांगा जाएगा। OTP आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, OTP मेंशन करना है, उसके बाद आपको अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर डालना होगा, जो कि मैं आपको साफ साफ बता दूँ, फ़ोटो और सिग्नेचर, फ़ोटो जो है 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और सिग्नेचर जो है वो भी 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, तभी ये पासवर्ड आप क्रिएट कर पाओगे। इसके बाद का जो वीडियो है, मैं आपको पूरा फुल्ली वीडियो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको 1 घंटे में प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि मैं अभी क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं पहली बार तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।